कार्टो दी आपके साथ और वक्त हो गया है आज के पांच के पंच का, तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 26 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर ने किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। यह कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली, लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का। उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार में जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान लेती तो आज वह जिंदा होती। इंडोनेशिया के बाली में आज से G20 समिट शुरू हो गई है। फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना और उसके बाद यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचाई। यूएन भी इन मुद्दों पर कुछ नहीं कर पाया, हमें यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता खोजना होगा। इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी खुलकर मिले, इस दौरान दोनों ठहाके लगाते भी नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर में राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह एमपी में पहला दौरा है। वे शहडोल में जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी। कुछ ही देर में शहडोल पहुंचेंगे। शहडोल में होने जा रहे समारोह में लोग आना शुरू हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग जुटने का दावा है। मध्य प्रदेश में 45 साल की लेडी डॉक्टर ने आयरन मैन का खिताब जीता है। उन्होंने लगातार 7 घंटे 40 मिनट तक 1900 मीटर तैराकी, 19 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। भोपाल की डॉक्टर प्रिया भावे चितावर ये रेस पूरी करने वाली प्रदेश की पहली महिला है। प्रतियोगिता में 32 देशों के 2000 खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता 13 नवंबर को गोवा में आयोजित की गई थी। इंदौर में इंटीरियर डिजाइनर करुणा शर्मा सुसाइड केस को 15 दिन हो चुके हैं। पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि करुणा ने 12 पेज के सुसाइड नोट में परेशान करने वालों के नाम लिखे थे। पैसे लेने के लिए करुणा ने आरोपी प्रमिला आत्रीवाल के पति हेमंत को कई बार फोन किए। हेमंत हमेशा उसे धमकाता रहता था। एक कॉल रिकॉर्डिंग में हेमंत ने कहा, मुझे पैसे देना नहीं लेना है, पैसे कब्र में से भी निकाल लूंगा।